छकाला मनपा उर्दूशाळा कक्षा पाचवी माध्यम उर्दू पाठ क्रमांक दोन समजूतदार मांजरे आदा बच्चों आज हम समझदार बिल्लियां समझूतदार माजरे इनके बारे में कहानी सुनेंगे पढ़ेंगे। एक मरतबा की बात है दो बिल्लियां रास्ते से जा रही थी। एक का नाम चुलबुल और दूसरी का नाम गुरी था। उन दोनों बिल्लियों को एक रोटी दिखाई दी और वो उस रोटी के पास गई, लेकिन रोटी तो एक ही थी और बिल्लियां दो। अब रोटी कौन खाएगा, इस बात को लेकर वो आपस में लड़ने लगी। पास ही एक बंदर था जो ये माजरा देखकर बहुत खुश हो रहा था कि आपस की लड़ाई का फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। बंदर उनके पास गया और कहा कि आप दोनों लड़ो मत, मैं दोनों को बराबर बराबर हिस्से में रोटी देता हूँ। बंदर ने रोटी के दो हिस्से किए, लेकिन एक हिस्सा छोटा और दूसरा हिस्सा बड़ा हुआ। बराबर बराबर हिस्सा बांटने के बहाने उसने रोटी के बड़े हिस्से में से थोड़ा हिस्सा खा लिया। फिर जो बड़ा हिस्सा था वो छोटे हिस्से से और छोटा हो गया और एक हिस्सा छोटा और एक हिस्सा बड़ा हो गया। बंदर फिर एक टुकड़ा खाया। ये देखकर दोनों बिल्लियां आपस में मशवरा करने लगी कि ऐसे ही अगर चलता रहा तो पूरी रोटी बंदर खा जाएगा, लिहाजा हमको अपनी रोटी लेना चाहिए। दोनों बिल्लियों ने बंदर के पास से अपनी रोटी ली और बंदर को भगाया और फिर दोनों ने आपस में रोटी बांट कर खा लिया। चुलबुल बिल्ली ने इसी तरह समझदार मांजरे यानी होशियार बिल्लियों ने अपनी गिज़ा यानी रोटी की हिफाजत की। इसके बाद हम सवालात के जवाब देखेंगे और लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक एक चित्रांतील प्राण्यांची व वस्तूंची नावे सांगा। बच्चों इसका मतलब हुआ तस्वीर में जानवरों और चीज़ों के नाम बताओ। पहली तस्वीर में से जानवर एक बंदर और बिल्लियां और चीज़ों में से रोटी और तराजू है। उत्तर क्रमांक एक मांजरे माकड़ रोटी भाकर काटा। प्रश्न क्रमांक दोन प्रत्येक चित्रात काय काय दिसते ते सांगा। इसका मतलब यह है हर तस्वीर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है वो बताओ। सबसे पहले तस्वीर नंबर एक देखेंगे, उसमें झाड़ दरख्त दो बिल्लियां और रोटी दिखाई दे रही है। उत्तर क्रमांक दोन झाड़ मांजरे भाकर मायने रोटी। प्रश्न क्रमांक तीन वरिल चित्रे पाहून गोष्ट सांगा। ऊपर की तस्वीर देखकर कहानी बोलो। हमने ये कहानी सुने और देखे है, इसे याद करें और अपने घर में सुनाए और दोस्तों को भी सुनाए। प्रश्न क्रमांक चार कौन ते सांगा यानी कौन है वो बोलो। अ आधी आप अपसात भांडणारी नंतर समझूतदारपणे वागणारी। इसका मतलब यह है पहले आपस में लड़ने वाली
फिर होशियारी से पेश आने वाली। उत्तर अ मांजरे बिल्लियां। प्रश्न क्रमांक आ मांजरांना फसौनारे, इसका मतलब यह है बिल्लियों को फंसाने वाला। उत्तर जवाब माकड़ बंदर। प्रश्न क्रमांक ई माकड़ाची लबाड़ी ओळखणारी, बंदर की चालाकी पहचानने वाली। उत्तर ई मांजरे यानी बिल्लियां। तो बच्चों, जो सवालात के जवाबात बताए गए हैं उसे अपने नोटबुक में लिखो और फ़ोटो निकालकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर उसे सेंड करो। खुदा हाफिज़।